everyone and welcome to my channel. So आज का video होगा mixing my good vibes rosehip oil with my foundation. Now इस तरीके का मैंने video पहले भी किया था जब ये product launch हुआ था, good vibes का argan oil जब launch हुआ था, तो काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि oil को foundation के साथ mix करके एक dewy and अच्छा finish मिलता है या नहीं. तो I did try that and मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा. And मैंने recently ये वाला purchase किया है and ये वाला serum अगर दोनों को actually compare किया जाए तो मेरा personal preference है कि मुझे ये वाला सीरम और भी ज़्यादा अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके का एक और वीडियो बनाऊं. तो that is why I'll be mixing these two and seeing कि मैंने लेकिन ये किस तरीके से काम करता है ना. इससे पहले मैंने ये दो प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं किया है, ये वाले दो प्रोडक्ट्स को मिक्स किया है एंड मुझे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड सिंस मुझे रोज़हिप ऑयल आर्गन ऑयल से ज़्यादा अच्छा लगता है, नॉट दैट आर्गन ऑयल अच्छा नहीं है, आर्गन ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेग्रेंस एंड टेक्स्चर एंड एवरी थिंग. तो मैंने सोचा कि ये दो को मिक्स करके देखते हैं कि फाउंडेशन किस तरीके से लगेगा. नाउ इससे पहले मैंने ये किया नहीं है तो ये फर्स्ट टाइम मैं ऑन कैमरा करूँगी. तो मेरे फेस पर मैंने अब तक कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने आई मेकअप किया है एंड लिप्स पे मैंने स्टिक लगाया है. इससे पहले एक्चुअली मैंने दो वीडियोस फिल्म किए हैं इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर. ये पुराने प्रोडक्ट्स है, दोनों पुराने प्रोडक्ट्स है. तो ये मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट है एंड ये वाला लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन है. अगर किसी को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. अगर आपको कुर्ता अच्छा लग रहा है तो कुर्ते का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी क्योंकि अभी मैंने ये जितना भी फेस मेकअप है सब पोंछ लिया एंड इसके बाद थोड़ा सा यू नो मेकअप रिमूवर से पोंछ लिया एंड थोड़ा सा पानी लगा के साफ कर दिया फेस. तो माय फेस फील्स ड्राई, एब्सोल्युटली ड्राई. तो मैं ये लगाऊंगी फर्स्ट, दिस इज द गुड वाइब्स रोजमेरी एनर्जाइजिंग फेस मिस्ट एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, काफ़ी अच्छा है. मैंने इसे मेरे रिसेंट पर्पल हॉल में दिखाया था, काफ़ी अच्छा है ये. सीरियसली एक बार तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना, ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. कहूँगी फेस क्रीम एंड इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस क्रीम एंड ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये. तो मैं ये वाला फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बेज एंड इसे मैं थोड़ा सा हाथ पे ले लूँगी ऑफकोर्स क्योंकि हमें फाउंडेशन एंड फेस ऑयल को मिक्स करना है, वरना मैं स्पैचुला से ही लगा लेती. सो ये मैंने लिया है एंड आई विल बी मिक्सिंग दिस. लिया है थोड़ा सा और मैं इस पर एक टू एंड हाफ ड्रॉप्स मैंने डाले हैं इसमें. एंड बाय द वे अगर आपको दोनों का कंपैरिजन वीडियो देखना है, कंपैरिजन बिटवीन आर्गन ऑयल एंड रोजहिप ऑयल, तो वो भी मैंने किया है. तो आर्गन ऑयल थोड़ा सा रनी है, रोजहिप ऑयल थोड़ा सा रनी है एज़ कम्पेयर टू आर्गन ऑयल. तो आई फील दैट ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेगा. तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी ऑन माई फेस. एंड बाय द वे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इट स्मेल्स ऑफ एक्चुअल रोजेस. ओके सो इसको मैं ब्लेंड करूंगी विद दिस ब्रश एंड दिस इज अ फाउंडेशन ब्रश बाय पूना स्टोर एंड ये सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रश है. 200 रुपीज़ का था एंड ये लाइक ना मल्टीपर्पज़ ब्रश है, आप फाउंडेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंसीलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्टोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लश लगाने के लिए भी. तो ये काफ़ी अच्छा है. सो अब मैं इसे ब्लेंड करने लगी हूँ एंड इंस्टेंटली मैं ये देख सकती हूँ कि बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है. मैंने एक फेस को हार्डली लाइक यू नो 5 सेकंड्स के अंदर ब्लेंड कर लिया है एंड बिल्कुल भी लाइक नो ऑयल की वजह से स्ट्रीक मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे ब्रश के, बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है ये एंड कवरेज भी इस फाउंडेशन का कम नहीं हो रहा है ऑयल यूज़ करने से. तो अच्छा कवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है एंड स्ट्रीक मार्क्स भी नहीं है इस यू नो ये दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करके. बिकॉज ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो आपका मेकअप उतार भी सकता है. तो इफ़ एट ऑल यू यूज़ इट विद योर फाउंडेशन, आपको श्योर होने की ज़रूरत है कि ये आपके फाउंडेशन को जब आप लगाने जाओगे तो हटाएगा तो नहीं. तो ये बिल्कुल भी उस तरीके का कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रीक मार्क्स नहीं है एंड बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन जहाँ से मैंने ब्लेंड किया है वहाँ से बिल्कुल मेरा फाउंडेशन हट नहीं रहा है. तो ये काफ़ी अच्छा है एंड डेफिनेटली यू कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूई फिनिश
फिनिश दे रहा है मुझे विच आई रियली लव. तो ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, एंड प्लस बहुत अच्छा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है आपके फेस पे. एंड यू कैन सीरियसली सी बहुत बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक लोग जैसे पहले हाइलाइटर लगाते हैं या इल्यूमिनेटर लगाते हैं, उस तरीके का ये फिनिश दे रहा है मुझे, आप देख सकते हो. एंड बाय द वे इस तरीके से, इस साइड से आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, सारे लाइट्स उस तरफ है, तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा. एंड अगर ऑफकोर्स आप डे टाइम में भी लगाओगे ना तो ये इसी तरीके का फिनिश देगा क्योंकि नेचुरल लाइट आपके स्किन पर पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेचुरल फिनिश देगा. सो इसने बहुत अच्छी तरीके से मेरे मेकअप को ब्लेंड किया है एंड आई रियली लव मिक्सिंग दीज टू प्रोडक्ट्स. तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड अगर किसी को एक बहुत ज़्यादा ड्यूई फिनिश चाहिए तो आप ये दो प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली दोनों एक साथ मिक्स कर सकते हो. दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है. ये एक रोज हिप ऑयल है बाय गुड वाइब्स एंड आई थिंक इसका प्राइस एक्चुअली मैंने बाय वन गेट वन फ्री में फ्री वाले ऑफर में खरीदा था, बट आई थिंक ये 170 रुपीज़ या 140 रुपीज़ तक आराम से मिल जाएगा. तो ओवरऑल डेफिनेटली आप ये जो प्रोडक्ट्स को मिक्स कर सकते हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. ये आपको गुड वाइब्स का जो रोज़हिप सीरम है ये आपको purple.com पे आराम से अराउंड 140 या 170 रुपीज़ तक मिल जाएगा. एक बार तो यार इस प्रोडक्ट को ट्राई करना, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये 500 रुपीज़ का है बट फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा होता है तो अराउंड 300-350 में आराम से मिल जाता है, और ये भी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो डेफिनेटली यू कैन मिक्स द बोथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा इफेक्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट आता है जो कि काफ़ी ब्यूटिफुल लगता है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इफ यस देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.